राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम कांधला बंदरगाह। कैप्टन अशोक मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं। स्कूल की छुट्टियां आरंभ होते ही वे अपने भतीजे सोनू को अपने साथ समुद्री यात्राओं पर ले जाते हैं। इस समय वे दोनों समुद्री जहाज पर हैं जो कांधला की ओर बढ़ रहा है। चाचा जी, वो दूर खंबा सा क्या दिखाई दे रहा है? वो? हाँ, वो लाइट हाउस है बेटा। अच्छा, उसे प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। प्रकाश स्तंभ का क्या काम होता है? शाबाश, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने सोनू। देखो बेटा, समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, तो ये प्रकाश स्तंभ सिग्नल का काम करते हैं। मतलब ये कि ये जहाज के कैप्टन और उनकी टीम को संकेत देता है कि तट नजदीक है। यही नहीं, ये प्रकाश स्तंभ सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होता है। वो कैसे चाचा जी? भाई, रात को आने वाले जहाजों के लिए ये तट सूचक का काम करता है। अच्छा, इसका प्रकाश आसपास के स्थानों को भी प्रकाशित करता है। इसका मतलब चाचा जी, ये प्रकाश स्तंभ तो बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। हमारा जहाज कहाँ आकर रुका है? बेटा, हम कांधला बंदरगाह पहुँच गए हैं, जो गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। अरे वाह, हम गुजरात पहुंच गए हैं। हाँ। अच्छा सोनू, क्या तुम जानते हो कि कांधला बंदरगाह बहुत पुराना बंदरगाह है? भारत के आजाद होने के बाद ही इसे पूरी तरह से विकसित किया गया। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि भारत के विभाजन के बाद कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद इस क्षेत्र में बंदरगाह की जरूरत महसूस हुई, इसलिए कांधला बंदरगाह को विकसित किया गया। ओह, अब समझा। पर चाचा जी, क्या इस बंदरगाह पर जहाज हमेशा आ जा सकते हैं? नहीं सोनू बेटा, कांधला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन मतलब? बेटा, पत्तन तो तुम जानते ही हो, यानी पोर्ट। हाँ। अब ज्वारीय पत्तन का अर्थ है, ज्वार आने पर समुद्र में जल का जब स्तर बढ़ जाता है, तब जहाज आराम से तट तक पहुँच सकता है। फिर जहाजों में सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। अच्छा। और जब ज्वार नहीं होता, तब जहाज समुद्र में दूर खड़े रहते हैं और ज्वार के आने का इंतजार करते हैं। ज्वार आने पर ही जहाज तट पर आते हैं। अरे वाह, कितने आश्चर्य की बात है। सोनू और कैप्टन अशोक कांधला बंदरगाह की सैर कर रहे हैं। सोनू के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो देखिए चाचा जी, कितना सारा सामान। अच्छा सोनू, जानते हो ये क्या क्या सामान है? जी नहीं। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम के उत्पाद, खाद्य पदार्थ, अनाज, नमक, कपास, सीमेंट, चीनी और खाने का तेल है। बाप रे, इतना सारा सामान कहाँ भेज रहे हैं? ये सामान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को भेजा जाता है। कांधला से इतनी सारी जगहों को सामान भेजा जाता है? हाँ बेटा, जानते हो कांधला में विदेशों से तेल भी आता है। कैप्टन अशोक सोनू को लेकर बंदरगाह से बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, सफेद सफेद ढेर। खेतों में मैंने फसल उगते तो देखा है, ये रेत में कैसी क्यारियां बनी हैं? सोनू बेटा, ये नमक के ढेर हैं। अच्छा। नमक के ढेर। शायद तुम जानते होगे कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। नमक, मैं चक्कर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये कच्चा नमक है, इसमें मिट्टी मिली हुई है। अच्छा। ना तो इसे अभी शुद्ध किया गया है और ना ही इसमें आयोडीन मिलाई गई है, इसलिए इसे मुंह में बिल्कुल मत डालना। ये नमक के ढेर बनते कैसे हैं? मैं बताता हूँ। ये सामने क्यारियों की मेड़ देख रहे हो?
तो ज्वार के समय जब समुद्र का पानी तट की ओर आता है तो कुछ पानी इन खेतों के अंदर चला जाता है। अच्छा। और मेड़ के कारण क्यारी में ही वो पानी रुक जाता है। हाँ। फिर खारा पानी सूखने के बाद नमक की परत बन जाती है। ओ। जैसे कि ये बनी हुई है। फिर इसे इकट्ठा कर लिया जाता है और नमक की ढेर सारी परत बना दी जाती है। अच्छा। इसके बाद इसकी सफाई और प्रोसेसिंग होती है, तब कहीं खाने के योग्य बनता है नमक। ओ। अच्छा, जानते हो बेटा, भारत में नमक की जितनी खपत है उसका ज्यादातर भाग तो कांधला से ही आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा सुनो बेटा, अब हमें वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। नहीं चाचा जी, थोड़ी देर और रुकेंगे। सोच लो, तुम्हें ढोकला नहीं खाना क्या? हाँ। हाँ? वैसे मुझे तो बहुत भूख लगी है, सोच लो। ढोकला? हाँ? और क्या क्या खाएंगे चाचा जी? तुम चलोगे साथ में तो ढोकला के साथ साथ गुजरात का मशहूर खाखरा भी खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ, चलिए चलिए चलिए। आ जाओ, चलो चलिए। सोनू और कैप्टन अशोक खा पीकर बंदरगाह की ओर लौट चलते हैं, जहां उनका जहाज चलने के लिए तैयार खड़ा है। चाचा जी। हुँ? ये बड़े बड़े क्या खड़े हैं? टैंकर। टैंकर क्या होता है? भाई, टैंकरों से तेल एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। अच्छा। ये तेल दूर मथुरा ले जाया जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ तेल की रिफाइनरी नहीं है। अच्छा अच्छा। मथुरा रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। और फिर जगह जगह भेजा जाता है। तो कैसे आता जाता होगा तेल चाचा जी? देखो भाई, कच्चा तेल पाइपलाइनों द्वारा पहुँचाया जाता है। कांधला में और क्या सामान आता है चाचा जी? ब्राजील से बड़ी भारी भरकम लकड़ी आती है यहाँ। ईस्ट अफ्रीका से भी व्यापार होता है। इसका मतलब कांधला बंदरगाह बड़ा ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। हाँ बेटा। कांधला बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर, नीलम मलकानिया और रसज्ञ, ध्वन्यांकन चंदन सिंह, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।